दोस्तों, हमारी बॉडी की पोषण की कमी को पूरा करने के लिए चना एक बहुत ही लाजवाब ऑप्शन है। लेकिन आपके लिए ये जानना भी बहुत जरूरी है कि चने खाने का सही तरीका क्या है, तभी आप चने से मिलने वाले सभी फायदे का लुत्फ उठा पाएंगे। अंकुरित चने, उबले हुए चने या फिर कच्चे चने, आपके शरीर के लिए कौन से चने बेहतर हैं? अब आपको वजन कम करना है या वजन बढ़ाना है तो कैसे, किस तरह खाएं चने, साथ ही और भी काफी सारी बातें जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखते हैं कि चने खाने से हमारी बॉडी को क्या क्या फायदे मिलते हैं। चने खाने के अनगिनत फायदे हैं। जिन लोगों को इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है उनके लिए चना काफी यूजफुल है। चने में फाइबर बहुत ज्यादा होता है और इसलिए चना डायरिया, सक्तमल और गैस जैसी डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाता है। इसके अलावा जो लोग मोटापे से परेशान हैं उन्हें भी अपनी डाइट में चना ऐड करना चाहिए। मोटापे की सबसे बड़ी वजह होती है एक्सेसिव हंगर। लोग मोटापा कम करना चाहते हैं लेकिन वो अपनी भूख कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन अगर चने की बात करें तो इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जिसकी वजह से आप अपनी भूख को कंट्रोल कर पाते हैं और फिर आप वजन कम करने के लिए आराम से डाइटिंग कर सकते हैं। जिन लोगों को हमेशा यंग दिखना है उन्हें अपनी डाइट लिस्ट में चना जरूर शामिल करना चाहिए। चने में कई सारे विटामिन्स होते हैं जो कोलेजन को बढ़ाकर आपकी स्किन को हेल्दी बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि चना सूरज की हार्मफुल किरणों से भी आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि चना खाने का सही तरीका कौन सा है। वैसे तो चना खाने के लिए कई सारे तरीके हैं, लेकिन अगर आपने जल्दबाजी में सिर्फ चने के फायदे देखकर खाना शुरू कर दिया तो आपको काफी सारी परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। इसलिए हर एक तरीके को ध्यान से देखिए। नंबर एक, चने को पानी में भिगा के खाना। कई लोगों को ये लगता है कि भीगे चने खाना एक बेस्ट ऑप्शन है और वो लोग ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि उन्होंने अपने आसपास किसी को भी भीगे चने खाते देखा होगा। भीगे चने खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पानी में भीगे चने में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन जैसे न्यूट्रिशन की मात्रा काफी ज्यादा होती है और फैट काफी कम होता है। और इसके अलावा इसमें आपको मिलते हैं फाइबर और कुछ माइक्रो न्यूट्रिशन जैसे कॉपर, विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भीगे हुए चने से तो काफी सारे पोषक तत्व मिल रहे हैं, लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि कच्चे चने में भले ही फाइबर बहुत ज्यादा मिलता है लेकिन आपकी बॉडी के लिए उसे डाइजेस्ट करना काफी मुश्किल होता है। तो अगर आप कच्चे चने खाते हैं तो दो बातें ध्यान में रखें। पहली, कच्चे चने बहुत कम मात्रा में खाएं और खाते वक्त ठीक से जमाएं। अगर आप कच्चे चने ठीक से जमाएंगे तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली उसमें सलाइवा मिक्स कर देती है जिससे हमारा डाइजेशन सिस्टम उसे आसानी से पचा लेता है। नंबर दो, अंकुरित चना। अंकुरित चने के बारे में काफी लोगों को पता तो है लेकिन इसका सही प्रोसेस क्या है ये कोई नहीं जानता। कई लोग चने को पानी में भिगो तो देते हैं और फिर थोड़ा बहुत अंकुरण होने के बाद खा लेते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर आप सही से चने को अंकुरित नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी को वो सारे न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाएंगे जो अंकुरित चने में होते हैं। सही से अंकुरण लाने के लिए पहले चने को धो के 8 से 10 घंटे तक पानी में रखें। फिर जब चने पानी सोख के साइज में थोड़े बड़े हो जाएं तब उसे पानी से बाहर निकाल के छलनी में रख दें। एक साफ कपड़ा लेके ऊपर से ढक दें। फिर भीगे चने को इसी हालत में 12 से 14 घंटे के लिए छोड़ दें। फिर जब आप उस कपड़े को हटाएंगे तो आपको मिलेगा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। दोस्तों, आप में से कई लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि हमें कौन से चने खाने चाहिए, अंकुरित चने या फिर कच्चे चने। कच्चे चने के मुकाबले अंकुरित चने के फायदे बहुत ज्यादा हैं। अंकुरित चने में कई सारे पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है जैसे कि एंजाइम, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर। पर अंकुरित चने के ये न्यूट्रिशन सुन के जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लेना। आप यकीन नहीं करोगे बट अंकुरित चने की एक डार्क साइड भी है। चने को ठीक से अंकुरित करने के लिए हमें इसे लंबे समय तक पानी में रखना पड़ता है और इतने लंबे वक्त तक चने पानी में रहने की वजह से इसमें कुछ बैक्टीरिया ग्रो हो जाते हैं। तो अंकुरित चने बच्चे, बूढ़े और गर्भवती महिलाओं को कभी नहीं देने चाहिए क्योंकि इन लोगों की इम्यूनिटी पावर काफी कमजोर होती है। नंबर तीन, पके हुए चने। कच्चे और अंकुरित चने के कंपैरिजन में अगर हम पके हुए चने की बात करें तो ये हर किसी के लिए काफी हेल्दी होते हैं। जैसे कि अभी हमने बात की, कच्चे चने बॉडी में ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो सकते, इसके लिए बॉडी को बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। और अंकुरित चने लंबे वक्त तक पानी में होने की वजह से उसमें बैक्टीरिया का खतरा भी होता है। तो बच्चे, बूढ़े और गर्भवती महिलाओं के लिए ये सेफ नहीं है, लेकिन पके हुए या कहीं उबले हुए चने हर कोई खा सकता है। हाँ, ये बात जरूर है कि उबले हुए या फिर पके हुए चने में विटामिन और मिनरल्स थोड़े कम हो जाते हैं, लेकिन बॉडी के लिए पके हुए चने काफी सेफ हैं। उबालने के बाद चने साफ हो जाते हैं और इसलिए बॉडी उसे आराम से डाइजेस्ट कर सकती है। इसके अलावा उबले हुए चनों की बायो अवेलेबिलिटी काफी ज्यादा होती है, यानी कि उबले हुए चने में प्रोटीन 12% ज्यादा बेहतर तरीके से बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। कच्चे चने का एक और साइड इफेक्ट
ये है कि उसमें ये कॉम्प्लेक्स शुगर बहुत ज्यादा होती है। तो अगर आप कच्चे चने एक लिमिट से ज्यादा खाते हैं तो गैस होने के चांसेस हैं। लेकिन चने उबालने से कॉम्प्लेक्स शुगर ब्रेक डाउन हो जाता है और फिर आप आराम से इसे खा सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं चने खाने का सही समय क्या है। अगर पके हुए चने की बात करें तो हमारी बॉडी में आराम से वो डाइजेस्ट हो जाएंगे, इसलिए पके हुए चने आप कभी भी खा सकते हैं। लेकिन अगर आप पके हुए चने सुबह नाश्ते में खाएंगे तो आपकी बॉडी को इससे काफी एनर्जी मिलेगी, लेकिन पानी में भीगे चने बॉडी आराम से नहीं पचा पाती, इसलिए सुबह खाली पेट खाना चाहिए। सुबह हमारी बॉडी काफी फ्रेश फील करती है, इसलिए उस वक्त हमारा पाचन तंत्र चने को ज्यादा आसानी से पचा सकता है। तो सुबह आप एक मुट्ठी या फिर 50 ग्राम जितने भीगे चने खा सकते हैं उतने खा लें। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी पड़ती होगी, और शायद आपको शाम के वक्त बहुत तेज भूख लगती होगी। अगर ऐसा है तो शाम को भुने हुए चने स्नैक्स की तरह आप खा सकते हैं, लेकिन साथ ही इस बात का ख्याल भी रखें कि भुने हुए चने को छिलके के साथ खाना चाहिए, क्योंकि चने के छिलके में ही सबसे ज्यादा फाइबर होता है। अगर आप वजन बढ़ाना चाहते हैं तो आपको उबले हुए चने ही खाने चाहिए। इसके लिए 50 ग्राम जितने चने रात को पानी में भिगो दें और सुबह उसे उबाल के नाश्ते में खा लें। इसके अलावा दोपहर को अब भुने हुए चने गुड़ के साथ खा सकते हैं, और इसी तरह भुने हुए चने और गुड़ शाम के नाश्ते में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों चना ही बॉडी को काफी हेल्दी बनाता है, पर ऐसा तब होगा जब आप सारी बातें ठीक से समझ के उसे फॉलो करेंगे। अगर आप पहले कभी चने खाते थे या फिर अभी भी खा रहे हैं तो अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट में जरूर साझा करें। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल फिटनेस सीक्रेट को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।